बैक टू माई चैनल यू आर वॉचिंग मोहसिन सिद्धार्थ। अल्लाह ताला की रहमत, फजल, करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ शुरू करता हूँ जी। आज सोच रहे जी कि बाइक पे इंट्रो वासी क्या करें। ये अभी मैं आया हूँ यहाँ पे जी कलर सईदा में, शादी है मेरे कज़न की, उधर आया हुआ था जी। अभी छोटे छोटे दो तीन काम हैं और आज है जी मेरे कज़न की जो है ना निकाह है आज उसका, तो नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह शादी है। तो अभी ये देख सकते हैं खत भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, खत भी करवानी है और ये साथ मेरे दोस्त है, कज़न भी है। तो कल गए थे जी एयरपोर्ट भाई को लेने साथ में, वो आगे जा रहे हैं, बीच दो छोटे छोटे यहाँ पे और काम है जो हमने कर रहे हैं और इसके बाद जनाब अली खत भी करवानी है और आपको आज की यहाँ गाँव की रूटीन बतानी है कि गाँव में कितनी सारी जो है ना खुशहालियाँ हैं जी। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखें और वीडियो का लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हम सुबह 4 बजे तकरीबन घर से निकले थे कलर सीता से और एयरपोर्ट में पहुंचते पहुंचते 2 से 3 घंटे लगे और ये वो जहाज़ है जी जिसमें से मेरे कज़न, जो मेरा कज़न है वो यहाँ से उतर रहा है। तो ये आप ही देख रहे हैं क्या माहौल है यहाँ पे जी। इस तरह जहाज़ बिल्कुल ये साइड लगता है और जितने भी पैसेंजर हैं वो सारे उतरते हैं और यहाँ से दोबारा लोडिंग होती है। तो ये थोड़े से आप एयरपोर्ट के भी नज़ारे देख रहे हैं, सुबह हो रही है हल्की हल्की सी, ज़बरदस्त ही माहौल जी एयरपोर्ट का माशाल्लाह। हमारा जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, चेक करें आप। माशाल्लाह जी ये चेक करें, कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है। ये सुबह सुबह हो रही है हल्की हल्की जी, सुबह जो है ना ये मुझे तो चार चांद लगा रही है, मज़ा आ जाता है। अभी खड़े हों जी जनाब, चेन करेंसी चेंज करवानी है हमने कलर सीधा में, ये बिल्कुल मेरे बैक साइड पे दुकान है, यहाँ से भी हमने जी करेंसी चेंज करवानी है तो फिर जी खत वगैरह भी करवानी है, चेक कर सकते हैं आप। जी निकाह हो रहा है जी और मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, मैं 10-15 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमने घर वापस जाना है और आपको गांव के कुछ सीन दिखाते हैं। शाम के टाइम माशाल्लाह कलर सईदा में कितना खूबसूरत यहाँ पे लोगों ने सब्जियां उगाई हुई, ग्रीनरी ग्रीनरी है, मज़ा आ जाता है यार, क्या गाँव है यार, दिल ही नहीं करता यहाँ से जाने का जी हमें। Thank you.
ये कल मैंने ख़त भी करवा ली थी, इसके बाद मोबाइल की बैटरी इतनी लो हो चुकी थी कि मुझसे जो है ना वीडियो बनाने ही नहीं हुई। अभी सेहत भी काफ़ी ख़राब है, ये मैं बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ। ये पीछे जो गांव का नज़ारा है ना, विलेज का, आय हाय हाय, ये पीछे प्लाजा देख रहे हैं आप, ये जो तैयार हो रहा है आई थिंक इस साइड में ब्लू शीशे वाला, ये प्लाजा समझ लें कि आज से एक महीना पहले जब मैं आया था ना, तो ये प्लाजा यहाँ पे सिर्फ इसकी जो है ना उसे हम कहते हैं कि बुनियादें पड़ी हुई थी। इतना जल्दी ये प्लाजा तैयार हुआ है जी कि मैं भी जहाँ पे खड़ा हूँ ये समझ लीजिए पीछे है ना, यहाँ पे पीर हक खतीब साहब यहाँ पे तशरीफ लाते हैं सैटरडे को और वेनसडे को, हफ्ते में दो वीक, यानी कि आज मंडे है और ये सैटरडे को यहाँ पे आए थे। और ये पीछे गांव में नज़ारा देख सकते हैं माशाल्लाह, ये जितना भी एरिया ना जितना भी यहाँ पे सारे लोग जो है ना किसान है, ये सब सब्जियाँ लगी हुई हैं, वो सब्जियाँ जो हमारे वहाँ गुजर खान में नहीं मिलती, यानी कि गोभी टमाटर मटर यहाँ पे सब कुछ उगाया जाता है, लेकिन गुजर खान में जस्ट पालक मूलियाँ इस तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ ना यार, इतना सुकून मिला है ना, क्योंकि वहाँ मैं घर में रह रहा है कि जो है ना मेरी बिल्कुल हालत भी ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे आग से बनी हुई रोटी, आग से बनी हुई चाय, आए हाय मज़ा आ जाता है यार विलेज में रहने का। सर्दी तो है लेकिन जो है ना सहूलतें यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे गैस वगैरह नहीं है, चलो अच्छा ही है, लेकिन बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। मैं कल हो गया जैनिक का, अभी मैंने जाना है वापस घर गुजर खान में, क्योंकि कपड़े शॉपिंग वगैरह भी करनी थी और इसके बाद कपड़े का नाप जो है ना वो भी देना था मैंने, क्योंकि जो मेरे पास कपड़े थे वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, घर वाले के पास कोई नाप नहीं पड़ा हुआ, तो कपड़े भी देने, शॉपिंग भी करनी है। तो यहीं पे आज का व्लॉग एंड करते हैं जी, और जो शादी का व्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह आउट क्लास होगा, कोशिश करूँगा बनाने की, लेकिन शर्म आती है मुझे थोड़ी बहुत, कोई नहीं मसला। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो विलेज के सीन्स हैं ना इनको लाजमी आपने देखना है, बड़े मज़े के होने वाले जी। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, 2000 सब्सक्राइबर होने को आए, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 2000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें जी, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। चलें जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा जी।